हिमाचल प्रदेश में सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए विवाह शादियों व अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा भीड़ एकत्रित होने पर रोक लगा दी है, जबकि आउटडोर में 200 लोगों के एकत्रित होने की इजाजत होगी। नवरात्रों के दौरान भले ही मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन लंगर व भीड़ पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने संकेत दिए कि कोरोना प्रभावित राज्यों से आने वाले पर्यटकों व लोगों की नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर विचार किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में स्थापना दिवस के 50 साल पूरा होने पर 15 अप्रैल से शुरू होने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। फैसले लिए हैं जिसमें से कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है, किस तरह के फैसले और क्या अभी रहने वाला है कोविड को लेकर? एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 ईयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे, वो निर्णय फिलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। दूसरा निर्णय, शादियों का सीजन आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्र हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड उसमें, तो इसको भी किया है। प्रमुख रूप से तो ये दो निर्णय लिए हैं, इसके अतिरिक्त कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया, परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। एक दो दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। फ्यूनरल में हमने वो 50 की संख्या निर्धारित की, उससे ज़्यादा एक्सीड ना करें। तीसरे उसके बाद फिर जो हमारे धार्मिक इसमें जो है पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे, जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। 50 इंडोर जो है टोटल, वो भी हमने उस सूरत में अगर कैपेसिटी बड़ी है तो उसमें इंडोर जो है 50 से ज़्यादा नहीं, तो आउटडोर के लिए हमने कहा कि खुला है, खुला मैदान है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200, इससे ज़्यादा। वो जानकारी हमको मिली है, एक मामला इस तरह से आया, बाकी इस प्रकार की और चीज़ों की और मामलों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम सतर्क हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें तो यही आने वाले समय के लिए तैयारियां, पीपी किट अवेलेबल रहे, मास्क अवेलेबल रहे, सैनिटाइजर अवेलेबल रहे, उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए हम गियर अप हो जाएं, बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कह दिया कि बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ा दीजिए, उसके लिए प्लानिंग शुरू कर दीजिए, उसके लिए शुरू कर दी प्लानिंग। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो थोड़ा शिथिल पड़ा था काम, थोड़ा ढीला पड़ा था, उसके लिए कह दिया कि भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ करिए, तो इसलिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के बातचीत हुई। और बाकी सैंपलिंग के लिए भी हमने कहा कि सैंपलिंग एकदम बढ़ा दी, अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टियाँ थी इसलिए सैंपलिंग का थोड़ा कम आंकड़ा आया है उसमें, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। सर, नाइट कर्फ्यू की भी बात कही जा रही है? नहीं, अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगा। पर्यटकों को लेकर सर, जो बाहरी राज्यों से अब आएंगे तो क्या उनके लिए कोई कोविड टेस्ट की रिपोर्ट की संभावना लगती है? ऐसे आने वाले समय में इस तरह की संभावना हो सकती है, खास तौर से जो 8 राज्यों से जो आ रहे हैं वो हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं उस पर विचार किया जा सकता है। इस पर हमने कहा कि हम 2 दिन बाद हम ऐसे ही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इसके साथ, और उसके बाद 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे। थैंक यू।